आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। हम पिछली वीडियो में काफ़ी चीज़ें जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन की चैप्टर से काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब सेंसरी रिसेप्टर्स अगला टॉपिक हमारा, इसमें हमने रिसेप्टर्स पढ़ने। पहले तो मैं आपको बताऊँ रिसेप्टर्स होते क्या हैं। ये मैं इस आपको ब्लैंक पेज पर लेके चलता हूँ, या मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए रिसेप्टर्स क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है, अच्छा सबसे पहली चीज़ होती है आपके पास कोई भी इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को जो है वो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है, और रिसेप्टर स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद ये आगे भेजता है किसके पास, अच्छा भाई ये आगे भेजता है, ये आगे भेजता है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, इसको CNS कहते हैं। और CNS से क्या होगा कि CNS के अंदर रिले न्यूरॉन मौजूद होगा, और रिले न्यूरॉन आगे मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर को सिग्नल दे देगा। तो ये एक बेसिक सा पाथवे है जो कि यूज़ होता है आपके पास कोई भी रिस्पांस जनरेट करने के लिए। तो रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। और सेंसरी वाला क्या है, वो डिटेक्ट करके लेके जा रहा है, मोटर वाला वापस लेके आ रहा है। तो ये तो होगी आपकी बात जो है वो बेसिक सी बात जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। अच्छा अब सेंसरी रिसेप्टर हम सबसे पहले ओल्फैक्टरी रिसेप्टर को देखते हैं। ओल्फैक्टरी का वर्ड जहाँ आ जाए उसका मतलब होता है, ओल्फैक्टरी का वर्ड जहाँ आ जाए उसका मतलब होता है स्मेल, या नोज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये नोज़ में कहाँ मौजूद होंगे, देखिए हमारे पास नोज़ का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये नोज़ की ओपनिंग है, एक्सटर्नल लेयर्स हैं, और ये नेज़ल कैविटी है, पूरी खाली जगह को हम कैविटी कहते हैं। तो नेज़ल कैविटी के एपिथीलियम, एपिथीलियम का मतलब लाइनिंग, जैसे ये एपिथीलियम है, ठीक है ये लाइनिंग है। तो ये लाइनिंग में जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, एपिथीलियल लाइनिंग में। जहाँ भी एपिथीलियम का वर्ड आए वहाँ का मतलब होता है लाइनिंग, जैसे स्किन की एपिथीलियम है तो स्किन की लाइनिंग। तो यहाँ पर क्या मेंशन है, अपर पोर्शन और नेज़ल कैविटी एक तो, ठीक है, नेज़ल कैविटी के ऊपर वाले रीजन में ये मौजूद होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। और कहाँ कहाँ होते हैं ये ओल्फैक्टरी एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम हुई ओल्फैक्टरी की जो नेज़ल कैविटी की लाइनिंग है, ठीक है, वहाँ मौजूद है। मगर ये जो ओल्फैक्टरी एपिथीलियम है ये क्या है, ये स्मॉल होती है कंपेयर्ड विद अदर मैमल्स, जैसे डॉग हो गया, उससे जो ओल्फैक्टरी एपिथीलियम में स्मॉलर है। तो स्मॉलर है तो मतलब ये है कि हमारे जो स्मेल करने की ताकत है वो दूसरे एनिमल से, दूसरे मैमल्स के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। तो ये बात यहाँ पर मैंशन करना चाह रहे हैं। अच्छा तो अब इसके बाद, अब इन्होंने बताया है कि ओल्फैक्टरी न्यूरॉन के क्या है, डेंड्राइट्स जो हैं वो एंड होते हैं। अब न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, ठीक है, ये होता है न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। तो ओल्फैक्टरी न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले रीजन है, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है, इसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना होता है। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये सीलिया की तरह होते हैं, ठीक है, सीली मतलब ऐसे वाले डेंड्राइड होंगे, तो ये सीलिया की तरह डेंड्राइड होते हैं। और कहाँ जाते हैं, प्रोजेक्ट इनटू नेज़ल म्यूकोज़ा। नेज़ल म्यूकोज़ा क्या है कि म्यूकोज़ा जो है आपके पास एपिथीलियम की एक जो है लाइनिंग है, एपिथीलियम की एक लेयर है जो के क्या करती है, जैसे अगर मैं एपिथीलियम की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, अगर ये एपिथीलियम है तो समझ लें ये जो है म्यूकोज़ा है, ठीक है, एपिथीलियम मैं बता चूँगा सरफेस जो है। तो ये जो म्यूकोज़ा है, म्यूकोज़ा का फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगा, एक तो डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को ट्रैप कर लेगा, लुब्रिकेट करेगा। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं म्यूकोज़ा के। तो जो नेज़ल म्यूकोज़ा है उसके अंदर ये जो इसके डेंड्राइट्स के एंड होता है, डेंड्राइट कैसे सीलिया के फॉर्म में बनाता है और नेज़ल म्यूकोज़ा में वो प्रोजेक्ट कर जाता है, एक चीज़ ये। और जो इसके एग्जॉन्स हैं, ठीक है, ये तो आ गया डेंड्राइड, मैं यहाँ बनाता हूँ समझे, ये मैं बना दिया नेज़ल म्यूकोज़ा है, ठीक है, और ये डेंड्राइड सीलिया की तरह इसके आ रहे हैं और यहाँ आके प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये आ गई सेल बॉडी। अब इसके जो एग्जॉन है पीछे क्या होगा, एग्जॉन तो एग्जॉन है ये डायरेक्ट जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एग्जॉन जाएंगे पूरे ऐसे गए और समझे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब ब्रेन है। तो इसके एग्जॉन जो है प्रोजेक्ट करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमने ब्रेन की वीडियो में अच्छी तरह पढ़ा है, ये ब्रेन का एक पार्ट है, तो वहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है। अब ऑडर सब्सटेंस का मतलब ये है कोई भी स्मेल का सब्सटेंस, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी स्मेल होगी तो वो स्मेल का जो पार्टिकल्स हैं, स्मेल के जो गैस गैस फॉर्म में भी है बेशक, तो स्मेल के पार्टिकल्स हैं वो जो सब्सटेंस जो हैं वो इस रीजन में जब आते हैं तो क्या करते हैं, ये बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओल्फैक्टरी सीलिया, ठीक है, मैंने आपको सीलिया बताया है, सीलिया क्या है, इसके डेंड्राइड है, तो डेंड्राइड की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ आके क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। और देयर मे बी 1000 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन एम्बेडेड इन ओल्फैक्टरी सीलिया, मतलब ओल्फैक्टरी सीलिया जो है, अब सीलिया क्या है, ओल्फैक्टरी सीलिया से क्या कहना चाह रहे हैं, डेंड्राइट, ठीक है, और डेंड्राइट का हमेशा फंक्शन क्या होता है, इसने रिसीव करना है इन्फॉर्मेशन को। तो 1000
डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर प्रोटीन्स यहाँ मौजूद होती हैं ओल्फैक्टरी सीलिया में, तो 1000 डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर प्रोटीन होंगे, तो ये बहुत सारी 1000 डिफरेंट टाइप्स की स्मेल को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप सूंघते हैं, आप स्मेल करते हैं, कोई अच्छी स्मेल होती है, बुरी होती है, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स होती हैं, तो वो सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन से डिटेक्ट होती हैं। और वो डिटेक्ट करने कौन हमेशा डिटेक्ट करता है, ज़्यादा डेंड्राइड डिटेक्ट करेगा, और डेंड्राइड का हमने अभी पता है यहाँ पढ़ा है कि डेंड्राइड सीलिया के फॉर्म में होता है, सीलिया की तरह होता है। तो ये मैं बना दूँ डेंड्राइड, ठीक है, इस डेंड्राइड के अंदर 1000 डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स हैं, ताकि 1000 डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्मेल को डिटेक्ट किया जाए। ठीक है, ईच रिसेप्टर प्रोटीन स्पेशलाइज टू बाइंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और इसको क्या करेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा। तो इन शॉर्ट क्या है, मैं डायग्राम पे भी लेके चल लेता हूँ, इसकी डायग्राम नीचे मौजूद है, मैंने एक डायग्राम इसमें ऐड की है ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो बात। इस डायग्राम से हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ओल्फैक्टरी सीलिया है, ठीक है, मतलब क्या है, डेंड्राइड है। ठीक है, ये पीछे जा रहे हैं, ये सेल बॉडी है, पीछे जाएगा इसके एग्जॉन, और एग्जॉन ऊपर कहाँ जाएंगे आपके पास, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और जो ब्रेन का एक पार्ट है। तो क्या यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, जो ओल्फैक्टरी सीलिया है मतलब क्या है, डेंड्राइड है, और डेंड्राइड का क्या फंक्शन है, इसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है। यहाँ पर ओल्फैक्टरी है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्मेल या कोई भी सूंघने वाली इन्फॉर्मेशन को इसने रिसीव करना है। तो इसके अंदर 1000 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और वो क्या काम करती हैं, 1000 डिफरेंट टाइप्स की स्मेल को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसके बाद हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स। टेस्ट रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या है कि टेस्ट, जाहिर है कहाँ हम टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, टंग पे डिटेक्ट करते हैं। तो टेस्ट रिसेप्टर जो है ये टंग पे मौजूद होते हैं, और ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। मैंने बताया है एपिथेलियल सेल्स क्या है, जैसे टंग की सरफेस बना रहे हो, क्या एपिथेलियल सेल होगा, तो एपिथेलियल सेल थोड़े से मॉडिफाई होकर टेस्ट के लिए रिसेप्टर, मतलब टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले बन जाते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग होकर। इन शॉर्ट याद रखना, एपिथेलियल सेल्स हैं जो टंग के, वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को। ठीक है, और उनको हम क्या नाम दे देते हैं, टेस्ट बड्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा। और ह्यूमन में 10000 डिफरेंट तरह के टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा 1000 डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स थे, या 10000 डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बड्स। क्यों? क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो हैं हम जो डिटेक्ट करते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं, तो हमने सारे डिटेक्ट करने। अब टेस्ट रिसेप्टर मौजूद कहाँ होंगे, ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर या तो टंग की सरफेस पे होंगे, ठीक है, अगर मैं टंग बनाऊँ तो इसके सरफेस पे, जो ऊपर वाली सरफेस है, इस पे मौजूद होंगे। दूसरा क्या कि निपल लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, निपल लाइक प्रोजेक्शन, जैसे ये मैं प्रोजेक्शन बना दूँ, इसको हम नाम देते हैं पेपिला। ये ज़ाहिर है टंग पे आप बाहरी देखें नज़र नहीं आएगी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, या तो पेपिला के अंदर होंगे या तो सरफेस पे मौजूद होंगे। अब मैं पेपिला का आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ ताकि ये आपको थोड़ा सा चीज़ जहन में बैठ जाए। ये वाले डायग्राम आप देखें, एक चीज़ तो है कि टंग की सरफेस पे टेस्ट रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है, वो तो आपको ज़ाहिर विजुलाइज हो गया होगा कि किसी भी चीज़ पे सरफेस पे क्या है मौजूद है टेस्ट रिसेप्टर। दूसरे पेपिला क्या है, ये कुछ प्रोजेक्शंस हैं, चार डिफरेंट तरह के होते हैं, एक सर्कमवेलेट पेपिला, जैसे ये मैंशन ये दिखाया मैं इन्होंने, फिलीफॉर्म पेपिला, ठीक है, ये रहे फंजीफॉर्म पेपिला, ये सारे, और फोलेट पेपिला भी होते हैं, वो यहाँ मेंशन नहीं डायग्राम में। तो ये क्या है, ये निपल लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे ये प्रोजेक्शन है सारी, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है सारे, क्या है, इनके अंदर भी टेस्ट बड्स जो है मौजूद होते हैं। तो ये दो जगह जो है जहाँ पर टेस्ट बड्स मौजूद हैं, ठीक है भाई। तो अब इसके बाद क्या है कि अब आगे मेंशन, ऑल दो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट रिसेप्टर फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, बट हम क्या करते हैं, हम फाइव डिफरेंट तरह के टेस्ट जो हैं पांच डिफरेंट तरह के टेस्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये टेस्ट बड्स की मदद से। कौन कौन से, एक स्वीट, ठीक है, सॉर, ठीक है, सॉल्टी, बिटर और उमामी टेस्ट। स्वीट का आपको पता है, ठीक है, मीठा होगा, सॉर का आपको पता है, ठीक है, और सॉल्टी होगा, बिटर मतलब ख़राब टेस्ट होगा। उमामी टेस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है, यूजली किस में मौजूद होता है, यूजली मीट में, चीज़ में, बटर में, इन चीज़ों में मौजूद होता है। और क्यों होता है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड मेन है इसका, कि अगर किसी चीज़ में ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है तो वो वाला टेस्ट दे देता है, ठीक है। ये ऐसा टेस्ट है कि ये किसी भी चीज़ को टेस्टी बना देता है, आप ऐसे इसको याद रखें, ठीक है। और मीट, चीज़ और बटर वाली चीज़ों में ज़्यादा आपको ज़्यादा टेस्ट इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें उमामी टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक था आपका, यहाँ पर एंड होता है।